सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सार्थक पटेल और आप देख रहे हो सार्थक पटेल एडिटिंग। सो गाइस आज हम फोटोशॉप के बारे में बात करने वाले कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो आपको टूल सब दिखा रहे हैं उसका उपयोग कब होता है और की जरूरत करना है आपको, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। और चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा लेयर जो कि आपको अभी लॉक है, तो इसमें हम ज़्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते। जब इसको हम क्लिक करके अनलॉक करेंगे तो हम इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब कलर की और जो कुछ भी होता है। जब भी ये लॉक होता है तो आप बहुत सारा ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाते हो। फिर यहाँ पे आपके चैनल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आता है आपका पार्ट, ठीक है। लेकिन आप जब भी कोई बैकग्राउंड या फिर कोई पीएनजी यहाँ पे लाते हो, इस इमेज में एडिटिंग करते हो, तो सभी यहाँ पे लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कि कुछ बंदे को मानो कि ऐसा हो गया, ठीक है, कि ये जो फोटोशॉप है ये बिगड़ गया है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरा जो फोटोशॉप है वो बिगड़ गया है या फिर ये सब कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कुछ बंदे क्या करते हैं कि यार मेरा फोटोशॉप तो बिगड़ गया, कुछ काम का नहीं। तो ऐसा नहीं होता गाइस। सबसे पहले जब मैं भी फोटोशॉप यूज़ करता था तो मेरा कोई ऐसा ही होता था। तो क्या करना है आपको, विंडोज़ में जाने के बाद, ठीक है, विंडोज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्क स्पेस करके दिखेगा, आपको वहाँ पे टच करना है, ठीक है। उसके बाद साइड में जो ऑप्शन आते हैं उसमें आपको रिसेट का ऑप्शन जो आता है उसको आपको टच करके आपका जो होता है वो सब कुछ रिसेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी चिंता करने की नहीं है। तो अब चलिए साइड में जो टूल्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो होता है वो नॉर्मली मूव अप मूव डाउन के लिए होता है, ठीक है। ऐसे आप मूव कर सकते हो इमेज को, इसलिए आपको होता है वो नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है। जब भी आप पीएनजी और सब लगा देते हो उसके बाद आपको बड़ा या छोटा करना है या फिर कुछ काम के लिए होता है वो उसका उपयोग, ठीक है। उसके बाद नीचे का जो आता है वो होता है कि भाई आपको कुछ सिलेक्शन करना है तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं सब लोग। और उसको लेफ्ट में जो होता है उसको राइट में जो माउस का की होता है उसको टच करते आप डिसलेक्ट उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए डिसलेक्ट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद जो थ्री आपको दिखेंगे टूल, ठीक है, इसके अंदर तो आपको फर्स्ट दिख जाता है कि लासो टूल, उसके बाद दिख जाता है पॉलीगन लासो टूल, उसके बाद मैजिकल जो लासो टूल होता है वो आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इस लासो टूल के बारे में आपको बता दूँ कि इससे आप क्या कर सकते हो कि फ्रीली जो ड्राइंग है वो बना के आपका क्विक सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे टच करते ही आपका जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे वाला आता है उसे क्या कर सकते हो कि आप ऐसे ड्रॉ करके जो होता है वो सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, जहाँ से आपको शुरू किया है वहाँ से सब सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे ऐसे करते हो, ठीक है। जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ से आप टच करते ही आपको एक जो राउंड है उसका निशान आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर तो जो राउंड का जो आता है, ठीक है, तभी आपको टच करना है ऐसे, तो आपका जो सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है कि भाई मैजिक वाला जो होता है उसके क्या होता है, क्या चलो इसको टच करते हो तो इसका जो होता है वो अपने आप ही ऐसे ड्रॉ होने लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अगले टूल में बताया कि आपने जहाँ से शुरू किया है वहाँ पर ही आपको एंड तक लाना है, ठीक है, ऐसे लास्ट तक ऐसे करके आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। तो परफेक्टली होने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है, ये भी बहुत तगड़ा है। उसके बाद नीचे का जो आता है वो क्विक सिलेक्शन जो आता है वो बहुत ही बढ़िया है, जो मैं हर एक जो फ़ोटो होता है उसको कटआउट करने के लिए या फिर बैकग्राउंड एडजस्ट करने के लिए वो यूज़ करता हूँ, जिससे आपको क्या हो जाता है कि ऐसा सिलेक्शन क्विक में हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे ड्रॉ ही करते रहना, आपका जो सब्जेक्ट है वो जितना आपको वो जितना कर पाए उतना कर देगा वो, वरना आपको लगता है कि भाई ये ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो हम कम कर लेते हैं, तो जो है वो हमारे सब्जेक्ट को है वो पहचान कर अपने आप ही बना लेता है, ठीक है। इससे भी बहुत अच्छा आपको बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। फिर नीचे वगैरह जो आता है वो मैजिकॉन, उससे क्या होता है कि ये वाला जो ग्रीन कलर है इसको आपको गायब करना है तो उस पर एक बार टच करना है, ठीक है। तो जितने भी आपको पॉइंट उसके लगेगा कि भाई हाँ भाई इतना जो है वो इस कलर से मैच हो रहा है तो इतना वो कर लेगा, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही कम यूज होता है तो मैं इसको प्लीज़ कर देता हूँ।
फिर उसके बाद जो आता है वो क्रॉप के टूल आते हैं, ठीक है, वो आपको क्रॉप करने में ये सब टूल काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे के जो आते हैं वो होता है कि भाई आपको ये बड़ा कलर सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे टच करना है, तो यहाँ पे जो है वो रेड कलर जो है वो आप पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी आपको आई थिंक ग्रीन करना है, ठीक है, तो ग्रीन करके आपको जो भी कलर आप करोगे वो वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। देख ये करते तो यहाँ पे तो ये कलर के लिए होता है, ठीक है, ये सब उसके टूल्स होते हैं। फिर ये सब फेस के रिलेटिव ये सब टूल्स होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि ब्रश टूल, जिससे आप ब्रश कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद आता है पेंसिल टूल, जिससे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये आता है कलर रिप्लेसमेंट टूल, किसी भी कलर को रिप्लेस करने के लिए ये वाला टूल आप यूज़ कर सकते हो। फिर ये वाला जो आता है कि मिक्सअप ब्रश टूल, जिससे आप कोई भी कलर को मिक्स कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्लोन स्टेप टूल, जिससे आप कोई भी इमेज को क्लोन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हमको क्लोन करना है, और एक सेकंड, अब ऐसे आप क्लोन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो आप ऐसे बहुत ही तगड़ा जो बैकग्राउंड हो सकता है वो आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी नीचे वाला जो पेटा स्टेप होता है वो भी उसके जैसा ही यूजफुल होता है। उसके बाद ये जो आता है कि हिस्ट्री ब्रश टूल, जिससे आप कोई भी आपको क्या बोलते हैं उसे कोई बैकग्राउंड या फिर ज़्यादा इरेज हो गया है उसे रिप्लेस करना है, वो उसके लिए ये वाला जो टूल है वो काम आता है। फिर इसके बाद इरेजर टूल, जिसका आपको बैकग्राउंड इरेज करने में भी काम आता है। फिर इसके नीचे होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल, वो भी उसके जैसा ही होता है। और नीचे जो आता है वो बहुत ही तगड़ा काम है करता है, जिसका नाम है मैजिक इरेजर टूल, जिसको आप जैसे ही क्लिक करोगे और कोई भी कलर को उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये अभी मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको पता लगेगा, उतना वो कर लेगा क्लीन, ठीक है। ये ग्रीन, तो ग्रीन उसको लगेगा कि हाँ भाई इतना ग्रीन है, कितना सब्जेक्ट के अनुसार वो कर लेगा। तो ये बहुत ही तगड़ा यूजफुल हो सकता है। यहाँ से आपको मिल जाता है ग्रेनेट कलर, ठीक है, जिसको आपको सिर्फ इतना ड्रॉ करना है, इतना तो आपका जो है वो ग्रेनेट कलर चेंज हो सकता है। फिर इसके बाद जो पेंट कूलर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेंट करने का ये सब आपको पता ही है, पेंट में जो आते हैं वो सभी इसके टूल्स होते हैं। फिर यहाँ से आ जाते हैं ब्लर टूल, जिससे आप ब्लर कर सकते हैं इमेज में। जिसके बाद शार्पनर टूल, जिससे आप शार्प डाल सकते हैं। जिसके बाद ये जो वाला टूल होता है, जिससे आपको फेस जो है वो थोड़ा सा ऐसे लिक्विफाइड जो बोल सकते हैं वो हो सकता है, ठीक है, तो उसका बहुत तगड़ा यूज करता है। जिसके बाद आ जाए ब्रश टूल, जिससे आपको पता ही है जो लाइट्स या फिर जो होते हैं उसको रिटच करने के लिए। बन टूल, जिसको ब्राइटनेस और ये सब कवर करने के लिए, जिसमें मैं ट्यूटोरियल नेक्स्ट बनाने वाला हूँ एपिसोड में, जो बहुत ही तगड़ा बनने वाला है, तो बने रहेगा मेरे साथ। जिसके बाद आता है स्नॉपर टूल, जो बहुत काम नहीं आता। जिसके बाद ये जो पेन वाले टूल आते हैं वो भी बहुत काम नहीं आते। वैसे तो देखा जाए तो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं या फिर बड़ी बड़ी जो एडिटिंग करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो सब ये वाला जो टूल है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो काम है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होता है। आप बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसका जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये क्या बोलते हैं, इसको आपको ये फावट आ सकती है, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो। तो फिर इसके बाद जो आता है वो टेक्स्ट का टूल आता है, ठीक है, ये सभी टेक्स्ट होते हैं उसका रिलेटिव में होते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट बाय हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल जो सब के जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो आता है कि आपने कोई इमेज को पाथ को या फिर सिलेक्शन को आपको ऐसे हिलाना है या फिर कुछ करना है, तो इसके लिए दो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं, डायरेक्ट और पार्ट सिलेक्शन, ठीक है, जिसको भी आपको बहुत अच्छा यूज होता है। इसके बाद जो आता है कि भाई आपको कोई शेप करना है या फिर रेक्टेंगल करना है, तो आप रेक्टेंगल कर सकते हो, ठीक है, तो इसका यूज़ इसके लिए होता है। अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट कर दूँगा। जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे लेयर बना रहता है, तो यहाँ पे बन गया था, जिसको मैंने अभी डिलीट मार दिया, तो यहाँ से वो हट गया, ठीक है। इसके बाद जो हाँ, तो नीचे ये बहुत सारे ये नॉर्मली जो है वो बेसिक ही आपको मिल जाते हैं। अगर आपको कस्टम में जाना है तो कस्टम में सिलेक्ट करेंगे, तो आप कस्टम में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे टच करोगे, ठीक है, तो कस्टम के जो टूल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो जिससे आप बहुत ही अच्छा जो है वो बना सकते हो। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे माउस का,
तो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जो आप किसी भी कलर में आप मतलब बना सकते हो। उसके बाद जो आता है वो हैंड टूल होता है, जिसको आप ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए, फिर होता है वो जूम, ठीक है, आप जूम कर सकते हो और राइट क्लिक करके या फिर ऑन स्क्रीन कर सकते हो या फिर जूम इन जूम आउट सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट साइज को क्लिक करोगे तो प्रिंट की जो साइज होती है उसके अनुसार भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है वो डबल क्लिक करने के लिए, इसमें पहला जो होता है वो जो आप काम कर रहे हो उसका जो कलर है उसका लिए होता है, और दूसरा जो होता है वो बैकग्राउंड कलर का होता है, जो भी बहुत तगड़ा यूज होता है, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो मान लो कि भाई आप नए नए फोटोशॉपर हो और आपको अभी ये गलती हो चुकी है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आप सभी टूल है वो बाहर निकल गए हैं और आपको कुछ लोगों को ये जो टूल्स है वो सब डिलीट हो चुके हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई तो हमारा फोटोशॉप है जो बिगड़ गया, तो मैंने पहले ही बोला है वही वर्कशॉप में जाके आपको रिसेट करने कर देने का है, तो सब कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जो एडजस्टमेंट टूल होता है, इसमें क्या कर सकते हो कि आप ये सब ब्राइटनेस या फिर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो या फिर इसका कलर जो है वो सब लेंस या फिर सब कुछ आप टैली कर सकते हो। फिर यहाँ पे बहुत सारे आपको मॉडल मिल जाते हैं, 3D जो कि आपको टेक्स्ट या फिर लोगों में यूज़ होता है। उसके बाद मोशन, जो कि आपको कोई भी नीचे या फिर क्लिप या फिर टाइमलाइन के लिए आपको यूज़ होता है। फिर पेंटिंग का यूज़ बहुत ही कम होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्रिएटर हो या फिर आर्टिस्ट हो तो आपको फोटोग्राफी का यूज़ करना है, जो कि बहुत ही तगड़ा उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये फाइल का जो है वो भी आपको बता दूँ कि इसमें न्यू यानी कि आपको न्यू जो है वो नॉर्मली एक फ़ोटो जो है वो कलर के सॉलिड कलर आप ले सकते हो, ठीक है, न्यू जिसमें आप काम कर सकते हो। फिर ओपन, तो कोई फ़ोटो ओपन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, एक सेकंड ओपन, ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र में क्या होता है कि आप ऑनलाइन कोई फ़ोटो या फिर कोई PNG या फिर कोई भी कुछ भी आप ले सकते हो। इसके बाद ओपन यानी कि जो अपने फ़ोटोशॉप में से PHD जो सेव किया होगा वो आपको फिर से ओपन करना है तो ओपन एस में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओपन डिसेंट, जो आपको जितने भी आपने काम किया होगा वो सब यहाँ पे दिख सकते हैं, आप उसमें से कोई भी ओपन कर सकते हो। ये क्लोज करने के लिए फिर यहाँ पे मिल जाता है सेव, सेव एज, और ये सब जो होते हैं वो डिटेल में होते हैं, तो अभी मैं नहीं बताऊँगा आपको। फिर ये जो एग्जिट का होता है वो फोटोशॉप को एग्जिट करने के लिए होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को अभी एंड करने का समय आ चुका है, तो अभी इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो कैमरा रो होता है, ठीक है, जो बहुत ही तगड़ा यूज़फुल होता है फिल्टर में कैमरा रो, तो ये वाला जो टूल है वो आपको परफेक्टली कैसे यूज़ करना है, इसका जो टूल आने वाला है वो episode 2 है, और episode 3 जो आने वाला है वो आपको मैंने यहाँ पे बोला है कि 2001, ठीक है, उसका जो आने वाला है वो episode 3 आने वाला है। तो एंड तक हमारे जितने भी एपिसोड है उनके साथ बने रहेगा तो आप बहुत ही अच्छी तरह से फोटोशॉप सीख पाएंगे। तो गाइस आज के वीडियो का यहाँ फिनिश करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।